और 6 जुलाई को स्पाइस जेट को डीजीसीए ने शो को नोटिस इश्यू किया था कि आप जो 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 फ्लायर्स हैं या फिर जो पैसेंजर्स हैं उनको आप भरोसेमंद अच्छी और सुविधाजनक सर्विस आप नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा आपके ऊपर आपको जवाब देना है। और मजे की बात है कि जवाब परसों आया था और कल ही डीजीसीए ने ये आदेश जारी कर दिया कि अब जो समर शेड्यूल में जो आपकी फ्लाइट्स बचे हुए हैं उसमें से 50% जो उड़ान होंगे यानी कि आधी उड़ानें होंगी उसमें कमी करनी पड़ेगी, यानी कि आधी उड़ान अब आप नहीं फ्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन है और इसमें ये जो फैसला है डीजीसीए का कल का वो 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। तो 8 हफ्ते के अंदर स्पाइस जेट को अपनी तमाम जो खामियां हैं, खराबियां हैं, परेशानियां हैं, उन सभी चीजों को दूर करनी होगी और उसके बाद डीजीसीए वो पूरे स्थिति का रिव्यू करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद ही वो आगे इस आदेश को आगे जारी रखना है या फिर इस आदेश को वापस लेना है वो फैसला करेगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, डीजीसीए ने अपनी फाइंडिंग में पाया क्या, क्या जो मेंटेनेंस स्टाफ था या फिर ग्राउंड स्टाफ था वो रियली शॉर्टेज में था जिस कारण ये हुआ? बिल्कुल, देखिए इसमें जांच में पाया गया कि ये जो फ्लाइट्स हैं ये बहुत ही कैश एंड कैरी मोड पर चल रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम लोगों में और जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग नहीं आ पा रहे हैं, किसी की पेमेंट बकाया है, किसी को पेमेंट नहीं जा रहा है, तो इस तरह की सर्विसेज हैं। तो पेमेंट नहीं होने की वजह से समय पे जो भी ग्राउंड स्टाफ था और जो भी बाकी और सर्विसेज होती हैं उन सबका पेमेंट सही तरीके से नहीं जा रहा था, पूरा जो जो एयरलाइंस है वो कैश एंड कैरी मोड पर चल रहा था। और उसके बाद एक के बाद एक जो मिसहैपनिंग्स आई जिसमें एक तरह से देखें तो बड़ी सुरक्षा को लेकर यात्रियों की जो उड़ान भरते हैं लोग उनकी सुरक्षा को लेकर जो कंसर्न आया पूरे देश में भी लोग इस पर रिएक्शन हुआ उसको लेकर जो डीजीसीए की तरफ से कार्रवाई देखी गई। तो दोनों इशू है इसमें, सुरक्षा के भी मानकों पर कहीं ना कहीं। मैं एक बात बताओ आप, ये 50% रिड्यूस कैपेसिटी से ऑपरेट करना है अगले 8 हफ्ते यानी कि मोटा मोटी 2 महीने, मैंने अगर स्पाइसर का टिकट बुक कर रखा है तो मतलब अब डाइसी हो गया मेरे लिए कि मैं उस 50% में आऊंगा नहीं आऊंगा, है ना, एब्सेंट बर्ड्स लग गए। बिल्कुल ये एकदम पैसेंजर्स के लिए जो यात्री हैं उनके लिए परेशानी की बात है क्योंकि अब उनको स्पाइस जेट कैसे एडजस्ट करेगा या क्या तो दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट करेगा या फिर उनको कहेगा आप रिशेड्यूल करो। तो कुल मिलाकर जो स्पाइस जेट के पैसेंजर्स हैं उनके लिए काफी एक मुश्किल समय है। देखते हैं स्पाइस जेट और स्पाइस जेट का इम्पैक्ट भी 9.5% मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट का इसके पास, कितना फायदा लीडर को मिल सकता है बाजार के असम्पशन ले रहा है इंटरग्रुप का स्टॉक भी आज हम लोग रडार पर रखेंगे।